हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फर्स्ट एकेडमी एनसीईआरटी। आई एम अमित कुमार सभी। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बताने। ठीक है, ये 3 नंबर्स है। ठीक है, 3 नंबर इसमें, 3 नंबर्स इसमें। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो बताने। तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है, 4 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4 किस के टर्म में आता है? 1 के में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। ठीक है, 8, 1 में, 2 में, ठीक है, 4 में एंड 8 में। 12, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12। ठीक है, इन सब की टेबल में 12 आ। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो बेटा? कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो? देखो, 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, ये बी पार्ट। 5 के फैक्टर्स देख लो क्या होंगे। 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। 15, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। ठीक है, थर्ड 25, 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 25 की टेबल में आता है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो बेटा? कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ? 1 एंड 5। ठीक है, 1 एंड 5। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है यहां पर। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, टेक केयर बेटा।